प्रशासन है। तो भैया मैं आपके दुख की घड़ी में साथ खड़ा हूँ और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आधी रात को भी आवाज दोगे, मैं आधी रात को आपकी आवाज के साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये बात विधानसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा में पहले भी जो जो बात कह रही है सरकार की, जब आपने देखा होगा जितने कार्य हुए आपकी सरकार में हुए, वरना तो उससे पहले भी राज रहे हैं, बाद में भी रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज की क्लासेज उठा दी गई, आज तक वापस नहीं आई है। जो आदमी आकर के बड़े बड़े के बातें करते हैं, विकास विकास कर देंगे, विनाश कर देंगे, विनाश तो कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते, आपको सोचने की जरूरत है इस बात के लिए। और पिछले 10 साल जो आपने काम किया वो एक तरफ रख दो और पिछले 50 साल जब से हरियाणा बढ़ा वो एक तरफ रख दो, आपको सही पता लग जाएगा। मैं चंडीगढ़ में हूँ, दिल्ली में हूँ, यहाँ हूँ, तो हमेशा 24 घंटे महेंद्रगढ़ मेरे दिलो दिमाग में रहता है। कौन सी घटना ऐसी है जिससे मैं परिचित नहीं हूँ? कौन सी आवाज ऐसी है जिसको विधानसभा में नहीं उठाया? मेडिकल कॉलेज का उठाया, IMP का उठाया, रोडों का उठाया, बाईपास का उठाया, कौन सी चीज ऐसी है? फिर वो आदमी ये सवाल जवाब कहते कि आपका विधायक कहाँ है? आपका विधायक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका विधायक आपकी आवाज के साथ खड़ा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। और भैया अरे छोड़ो मेरी बात, 2012 में मैं आपको याद दिला दूं, ये 2247 का यहाँ कोई खड़ा नहीं है, अगर हो तो सतपाल वगैरह थे यहाँ, वहां पर वो रहा है, वो जो खोखो वाली मार्केट है किसी ने बचाई थी? बचाई थी ना, हम हमेशा गरीब के साथ थी, हमेशा गरीब के साथ थी, हमें पता है कि जिसके घर में 2 की रोटी नहीं है उसको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। और हमारी घर आप सब थे, अरुण पूरा सारे थे, बिल्कुल थे, सारे के सारे थे यहाँ पर, बिल्कुल थे, सबके सब ने आवाज उठाई इस बात के लिए। और मैं हर मिनट संपर्क में था, हर मिनट संपर्क में था इस बात को, मतलब ये मत समझिए। और अभी एक मिनट, इन भाइयों के पास अगर तयबाजारी है एक मिनट के, तो अपनी तयबाजारी की फोटो कॉपी वगैरह दे दे मुझे, और मैं गारंटी से कहता हूँ मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, मैंने आमने सामने बात करके बात के लिए, तो आप दे दें उनको, हक मिला के रहेंगे, ये हम कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है? और भी कोई बात हो तो जो भी रिकॉर्ड आपका यहाँ पर है वो रिकॉर्ड दे, वो बेटा एक मिनट चेतन, बेटा एक मिनट सुन, हमने दिया संदीप, एक मिनट बेटा हमने दिया रामविलास, हमने दिया बात कोई नहीं, एक मिनट बात सुन, हमारी बात को आपने उठाया, एमएलए आप हो, हमने किसी का वोट दिया, किसी का कह रहे हो बात, और एमएलए जब आदमी छूट जाता है तो किसी का भी हो जाता है, वो सबका है, आदमी का है, मंत्री भी हमारे, इसीलिए कही है, इसीलिए कही है मैंने बात, राजनीति जो ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, कोई दूसरा भाई बीच में राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास करता है तो वो ना करे। मैंने आप देखा होगा पिछले 25 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर जो आपके साथ रहा, जो आपने मुझे ताकत और हिम्मत दी है, कभी मैंने प्रयास किया कोई छोटा काम नहीं किया। एक आदमी मुझे यूँ बता दे, मेरे पास एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी रहा, एक आदमी मुझे बता दे किसी दुकान वाले के पास कोई एक्साइज का इंस्पेक्टर आया हो, एक आदमी आए, वो बता दे नहीं आए। आपके पास कंट्री टाउन प्लानिंग भी रहा जिसका ये सारा काम है, जो तोड़ फोड़ करने का जितना भी काम है उसका है। एक आदमी बता दे, एक आदमी जिन्हें यूँ कह दे कि इसकी ये दुकान थी इसके क्षति पहुंचाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपने सम्मान दे के भेज दिया तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके हित और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगी और मैं लड़ूंगा आपके हित, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये सोचना आपका है कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन वक्त के तराजू में जरूर तुलना चाहिए। ये तराजू है, भारी कौन है हल्का कौन है ये सिर्फ आप बता सकते हैं, क्योंकि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जो आप फैसला करेंगे वही चलेगा, आप राम कुछ भी करते रहे मन से, लेकिन फैसला वो होगा जो जनता चाहेगी। और भैया फैसला अब यहाँ ये है कि हमारी जनता दुखी है तो हम दुखी हैं, उस दुख को हम मिटा के रहेंगे, उस दुख को हम दोबारा से ठीक करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और कोई भी बात आती है तो इतने छोटे विचारों से ऊपर उठ के बात करना, आप कभी छोटे विचारों की बात मत करना, समझिए? जब आपने अधिकार दे दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूं, बस आप अपनी इतनी जरूर है।
कोई नोटिस नहीं दिया जनाब, कोई नोटिस मौखिक एक घंटे का 20 मिनट का टाइम दिया। टिकट में कभी दिए एक जोड़ो बोलो यार तुम कहो नहीं हुआ तो मैं पूछूंगा बिल्कुल बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी 31 तारीख हमारी तारीख थी कोर्ट में उसी दिन हमें तारीख दे दी गई अगली 13 अप्रैल शाम को वहाँ से ऑर्डर लिखित में न्यायालय में एसडीएम कोर्ट में कोई ऑर्डर नहीं हुआ उसके बाद में यहाँ आगे सीधा तहस नहस कर दिया हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से ये पूछा ऑर्डर है था कोई नहीं जनाब कोई ऑर्डर नहीं हुआ तारीख दे दिया अगर ऑर्डर होते तो तारीख दे दिया कि उसके बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हमने उनसे ये पूछा अरुण भाई भी यही थे अजीत जी आप जो यहाँ तोड़ने आए हो उसका कोई हमें ऑर्डर दी था तो अरुण भाई यही थे किस प्रशासन ने ऑर्डर किया मैंने कहा जी उनकी कोर्ट में प्रिजुडिस है उनको 14 अप्रैल सुनो 14 अप्रैल 27 अप्रैल को दे दे रखी है दोनों कोर्टों में जी सील में भी है 16-27 वो ये बात उनकी नॉलेज में थी अच्छा ये आपने दे रखी है मैटर कोर्ट में प्रिजुडिस है तो आपको वैसे एक्शन नहीं लेना चाहिए उसने कहा जी मैं कोर्ट में हूँ निकल करके मैं बात करूँ समझ गए और उसके बाद मैं मुझे पता लगा बात होने से पहले मैंने सुनाया सर अगर कोई नोटिस अंकल जी मालिक ये 4 फरवरी 1985 की पर्ची है ना 4 फरवरी 1985 बताऊँ जी नगर पालिका नरेंद्र भारत एक मेरी जी में से है लेकिन उससे पहले बैठा वो ट्रांसफर कर गया बाहर द्वार आराम से आराम से भारद्वाज थे ना जो पहले नगर पालिका भी सब रिपोर्ट है उनके पास हमारा सब मोबाइल पे करो डॉक्यूमेंट है ना जो डॉक्यूमेंट ये इसमें डेट होगी सर 20-1-2021 और ये सिर्फ 3 फुट सरकाने का था सरकाने का दिया था ये कोर्ट हमारा सिविल कोर्ट में है सिविल कोर्ट के बाकायदा ये हमारे जवाब दावे की फोटो है सारा हो गया उसके बाद एसडीएम ने हमें ये दिया था जी और SHO ने किया था ये SDM के पास ये कब दिया है आपका 8-2 बस यही हुए थे बस इसके बाद हमारे पास कोई नोटिस नहीं कोई नहीं है जी इनमें से एक आदमी को ड्यूटी लगा दो ले ले और फिर ये हमारे कोर्ट में केस है SDM के इनके ये तो डॉक्यूमेंट लीगल हो गए जो कोर्ट में दिखाने वाले हैं ये पर्ची जो मुख्यमंत्री जी को दिखाने वाली है सिर्फ हमें पर्ची चाहिए कौन आदमी कब से भाई सारा की कलेक्ट करके फोटो कॉपी ये सभी की कलेक्ट कर रखी है मैंने सारा की सभी की है
ये सारे बहुत नहीं तो करवा के दे दो अगर और भी किसी की 2015 की है दो अभी क्या जल्दी आराम से लिस्ट बना लिस्ट बना के कितने आदमी है भाई नेम गर्म भाई इसमें लिख 1, 2, 3, 4, 5 सारे बना के और मुख्यमंत्री के नाम एक आप जितने भी यहाँ पर मुख्य वाले सारों की लिस्ट 1 से लेकर 20 तक जितने के भी है उनके साथ में उनका ये जो तय बाजारी की पर्ची समझ गया पीछे की हो तो बात की नहीं कभी की है कभी की भी हो कभी की जब से बैठे हो उस पे आप लगाओ और लेके ना मुख्यमंत्री के नाम सभी का बिजली का बिल जो डॉक्यूमेंट आपके पास है जो डॉक्यूमेंट आपके पास है सारे कोई नोटिस है नोटिस तो तभी देंगे जब आप मीटिंग करवाते हैं सबसे बढ़िया हमारी ये दो ही है मुख्यमंत्री से टाइम लेकर के मैं दूंगा समझ गए आप जाके अपनी बात करो हमें अपना कागज तैयार कर लो नेता जी टाइम लेती ना पूरा थाने 2 गाड़ी मिल जाए बैठ हमारी मीटिंग करवा देंगे नोटिस दिया गया आपको भी नोटिस नहीं दिया गया हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया अगर कोई अफसर ये कहते कि इन्हें नोटिस दिया है तो हमारी जिम्मेदारी कोई नोटिस दिया लिख दियो ना सीएम का नाम शुरू में ऑर्डर हुआ था ये सारी लाइन उखाड़ने का कमल गुप्ता ने जब हमारे गरीबों के खोखे फाड़ दिए थे जब आगे का नंबर आया ना जब उन्होंने बयान दिए ऑर्डर भेज दिए ताकि भाई आगे की कार्रवाई मत करना चलो वो तो कोई बात नहीं है वो तो किसी का हो जाए किसी का नहीं हो जाए वो तो लेकिन फिलहाल तो जो पीढ़ी थे अपन उनकी बात करते हैं फिलहाल हमने तो बेटा सुनो मेरी बात हमने तो तेरे को पता है पहले भी आपकी थी और उसके बाद बढ़ी भी है अपनी बात बढ़ी भी है ऐसा नहीं है हमने तो फिर भी आके बंद करी थी मैंने कहा अरे ऊपर तो मोहर लग गई हमारे ऊपर मोहर लग गई उसका मोहर कामयाब रही उसका भुगतना भुगतना ये 2 गाड़ियां आओगे सारा दुकानदार इन्हें लेकर सीएम से मिलवा दे बोले ना बात यहाँ बात तो कही रहे एसडीएम साहब ने कही है एसडीएम साहब ने कोर्ट में कही है ये बात बोलो तुम्हें क्या बसाऊंगा तुमने तो उसको हरा दिया सबके सामने 50 आदमियों के बीच में एसडीएम साहब किसने अंकल मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो आदमी बड़े बुजुर्ग आदमियों से ना गाली गलौज करके है मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज की अब कोई बात अब जो लीगल कार्रवाई जो है वो तो चलती रहेगी तुम्हारी लेकिन जो पॉलिटिकल कार्रवाई है वो ये है कि आप अपनी सारे जने रिकॉर्ड बनाओ एक लिस्ट ऊपर तो नाम उससे ऊपर आपका एक मुख्यमंत्री के नाम अपने निवेदन है ये हम इतने आदमी एप्लीकेंट है जिनके घरों को दुकानों को इस तरह से तोड़ के ऐसे कर दिया गया है हमारा अधिकार था कितने सालों से हम यहाँ पर थे सबकी सूची साथ लगी है सबका रिकॉर्ड साथ लगाओ ठीक है वो दे सामान के भी लिखे थे इसमें हमारा सामान लाखों का सामान टाइम लेके अंकल जी हमें यहाँ की यहाँ विस्थापित करवा दो हम आपकी मेहरबानी करेंगे यहाँ तो रहेंगे तो यहीं के यहीं रहेंगे
हमने था तो हम कहीं रहेंगे नहीं। नहीं उसके बाद में हमने जहर दे तो हम मर जाएंगे। सर मरेंगे बड़ा मरे एक दुकान तो इसमें ऐसी थी जिसने अपने तक का किराया रखा है रेंट की। सुनो भाई वो जब रहती है उसकी दुकान तोड़ के पीछे लाइट कटवा के अपने एक फैक्ट दे दो हमें डॉक्यूमेंट कल आज ही तैयार कर दो सारे यार सारे फैक्ट्स है ना। और मैं तो आज 5 साल में सीएम से टाइम लेकर सीएम से टाइम लेकर और थाने सारा ऐसे आम रिसर्च मीटिंग में मुलाकात कराऊंगा। ये बात होगी ना फाइनल? हाँ वो बात होगी। अबे बस पढ़े लड़ाई लड़ेंगे नेताजी यहीं पर बैठा। आगे एक मिनट सुनियो मैं सुनो यो ऐसे ये भाई सी जो रेडी आला ये अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स ने कागज कि परसों तक नेताजी ने जमा करवा दी और नेताजी सीएम साहब से टाइम लेके और सारा ने सीएम साहब ने आम रिसाण मीटिंग करवा के सीएम से जो न्याय मिलेगी कि मैं तैयार रहेंगे वो काम करवाऊंगा। यही बसाने के लिए एक छोटी सी बात हो मैं बोलते तेरी भी यहाँ पर जिस अधिकारियों ने घोटाला करके कार्रवाई दो तीन नंबर के भी नहीं बंदों की है दो तीन नंबर के भी नहीं बंदों की है कभी पुलिस दौर की भी बनाते हैं कुछ नहीं बनेगा यहाँ निश्चित रहो ऐसे थोड़ी बना देगी नहीं बना दूंगा कामरेडी मूत्र को डटा रहो तुम जरूर करियो मन तन मन से बड़ी मदद कुछ नहीं आज ठीक है दो पड़ते हैं सबसे बड़ी बात ये है यहाँ दुकानदार हो कोई यहाँ ये करके गए हैं ओपनली चाहो ना थोड़ा नेता जी बात कोई बात नहीं सारा काम ही इससे बड़ी मदद ना आज का तुम्हारे सारे सीएम जी मुलाकात कर लें हमने उनको ये कहा अगर तो 13 सी उन तो बस हाथ दे अरे पैसे खाते हैं बड़ी मदद ना है सबका धन्यवाद ले 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 ले